यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बीच में मायावती ने ट्वीट किया है, मायावती ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं और जो उन्होंने लिखा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था काफी काफी दम तोड़ चुकी है। ये ट्वीट मायावती का, तो विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी ये धीरेंद्र बताया जा रहा है, जो अभी पुलिस की पकड़ से बहुत जो उन्होंने लिखा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था काफी काफी दम तोड़ चुकी है। ये ट्वीट मायावती का, तो विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी ये धीरेंद्र बताया जा रहा है, जो अभी पुलिस की पकड़ से बहुत जो उन्होंने लिखा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था काफी काफी दम तोड़ चुकी है। ये ट्वीट मायावती का, तो विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी ये धीरेंद्र बताया जा रहा है, जो अभी पुलिस की पकड़ से बहुत जो उन्होंने लिखा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था काफी काफी दम तोड़ चुकी है। ये ट्वीट मायावती का, तो विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी ये धीरेंद्र बताया जा रहा है, जो अभी पुलिस की पकड़ से बहुत जो उन्होंने लिखा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था काफी काफी दम तोड़ चुकी है। ये ट्वीट मायावती का, तो विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी ये धीरेंद्र बताया जा रहा है, जो अभी पुलिस की पकड़ से बहुत जो उन्होंने लिखा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था काफी काफी दम तोड़ चुकी है। ये ट्वीट मायावती का, तो विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी ये धीरेंद्र बताया जा रहा है, जो अभी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर